हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएच ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन मेमोर्स ऑफ ए छोटा साहिब। यह है क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से सेप्टेम्बर नंबर 9। तो ये हम पढ़ेंगे। कोई भी ये सर लाइन बाय लाइन देता नहीं है, अभी तक शायद नहीं दिया होगा लाइन बाय लाइन हिंदी में। तो मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को एकदम लाइन बाय लाइन इतने आसानी से समझा दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, नहीं तो दूसरा वीडियो बना के दूंगा। तो देखिए, मेमोर्स का मतलब क्या है? मेमोर्स का मतलब होता है जैसे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है, आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी जैसा ही है, ठीक है। और छोटा साहिब मतलब खुद जॉन राउंडट्री खुद एक छोटा साहिब है, ब्रिटिश है। और वो जब आए थे आसाम में, तब उसके बारे में, आसाम में आए थे, गुवाहाटी में लैंड किए थे, ब्रह्मपुत्र के किनारे कैसे वो रहे थे, और नेचुरल ब्यूटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि आसाम कितना सुंदर है, स्पेशल गुवाहाटी, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले जॉन राउंडट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। वाज द लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आसाम। वो ब्रिटिश के लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर थे फॉरेस्ट ऑफ आसाम के। देखिए, कंजर्वेटर का मतलब तो पता है, रक्षक। ही लेफ्ट शिलोंग विथ हिज फैमिली ए फ्यू डेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद कुछ दिन बाद ही वो यहाँ से चले गए थे, शिलोंग से चले गए थे। कहाँ चले गए थे? एंड रिटर्न टू इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए थे अपने होमलैंड में। वेयर ही टुक अप वर्क एज ए जर्नलिस्ट एंड मीडिया कमेंटेटर। वहाँ पर जाके वो जर्नलिस्ट बन गए थे, मीडिया कमेंटेटर बन गए थे। इस ए छोटा साहिब मेमोर्स ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने एक बुक लिखा था, उनका ये वर्क था क्या, ए छोटा साहिब मेमोर्स ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर। तो उन्हीं में से लिया गया है ये छोटा सा एक ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। फ्रॉम वेयर द लेसन इज एज एन एक्सर्प्ट इज ए लाइट हार्टेड अकाउंट ऑफ द टाइम्स इन गुवाहाटी एंड इट्स नेबरिंग एरियाज ऑफ एबव इंडिपेंडेंस एज सीन थ्रू द आइज ऑफ ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर मेकिंग द अकाउंट नॉट ओनली लोकल स्पेसिफिक बट ऑल्सो रिलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। तो यह है कि वो यहाँ पर आने के बाद गुवाहाटी के एरिया तो कितना सुंदर था इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम और तब का 1947 से पहले कैसा टाइम हुआ करता था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताएगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते क्या है। वी अराइव्ड, वी मतलब यहाँ पर पूरा ग्रुप के बारे में बताया गया कि छोटा साहिब और उनके जो क्रू है, ग्रुप है, वो जब गुवाहाटी में लैंड हुए थे। देखिए यहाँ पर गुवाहाटी करके लिखा गया है, जो कि आपको पता है जैसे हमारे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, ये पुराना, जब 1947 से पहले गुवाहाटी बोला जाता था, लेकिन अभी गुवाहाटी बोला जाता है, ठीक है। तो वही है, वी अराइव्ड एट गुवाहाटी आफ्टर द लॉन्ग डस्टी जर्नी अक्रॉस इंडिया। मतलब पूरा इंडिया घूम के आने के बाद हमने क्या किया, गुवाहाटी में लैंड किए एंड मेड आवर फर्स्ट होम ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के किनारे हमने यहाँ पर लैंड किए। एज द कोल्ड वेदर वॉज गेटिंग अंडर वे एंड द क्लाइमेट बिकमिंग बेयरेबल, जो कि ठंडा थोड़ा सा कम कम होने लगा था और रहने लायक हो रहा था, ठीक है। ज़्यादा ठंडा हो गया होगा तो परेशानी हो जाएगा, तो ठंडा थोड़ा सा कम होने लगा था, रहने लायक हो गया था। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैड गिवन द वॉल्स ऑफ द बंगलो ए कोट ऑफ फ्रेश लाइम वॉश एंड हैड पेंटेड द वुड वर्क लिवररी विथ अर्थ ऑयल, मट्टी का ऑयल, कैरासिन ऑयल बोलते हैं। कि वो जिस बंगलों में रहने वाले थे, उस बंगलों के जो वॉल वगैरह है, लाइम वॉश करके थोड़ा सा चूना वगैरह देके जो ये करते पेंट करते वैसा करके पेंट करके नया बना रहा था वॉल को। इन फ्रंट वॉज ए रेस्ट पोर्टिको, पोर्टिको मतलब जो एक जगह जो कुछ रखने के लिए, ठीक है, हुई सर्व एज ए कारपोर्ट। तो बंगले के सामने ऐसा एक जगह था जहाँ पर कार को पार्क कर सकते थे, उसको पोर्टिको बोला जाता है। एंड द टॉप ए बरंदा फ्रॉम हुइस वी हैड ए स्प्लेंडिड व्यू ऑफ द रिवर एंड इट्स शिपिंग एंड बियॉन्ड हिमालय। और वहाँ से बंगले के ऊपर से टॉप से वो लोग पूरा का पूरा जो नदी है उसको वो दिखाई देता था, हिमालय दिखाई देते थे वहाँ से, हिमालय रेंज जो पर्वत थे उसको दिखाई देते थे उनके बंगलों से। इन द फोरग्राउंड वॉज पीकॉक आइलैंड, और वहीं पर एक क्या था, एक पीकॉक आइलैंड था, ठीक है, एक आइलैंड था जिसका नाम था पीकॉक आइलैंड, विद द डोम ऑफ ए हिंदू टेम्पल। और उसी पीकॉक आइलैंड में एक हिंदू टेम्पल थे और उसका डोम क्या थे, जो मंदिर के ऊपर जो गोल वाला हिस्सा रहता है ना, गोल, उसको डोम बोला जाता है, ठीक है। और वही दिखाई दे रहा था एक ट्री के, जो वो जहाँ पर जिस बंगलों में रह रहा था वहीं पर कितने सारे ट्रीज थे, पेड़ पौधे थे, और पेड़ पौधे के बीच में से वो डोम दिखाई दे रहा था। आप लोग गूगल में सर्च करिएगा, अभी सर्च करके देखिएगा कि डोम का मीनिंग क्या है, ठीक है। वो टेम्पल के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा था उसके बंगलों से। आई नेवर डिस्कवर्ड पीकॉक्स बट ओनली मंकीस ऑन द आइलैंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाजी मजाक का बात कर रहा है कि वो उसका नाम तो पीकॉक आइलैंड था टेम्पल का नाम, लेकिन वहाँ पर एक भी पीकॉक्स नहीं था, वहाँ पर सिर्फ मंकी ही मंकी था, बंदर ही बंदर था, ठीक। एज द कोल्ड वेदर एडवांस द ब्रह्मपुत्र श्रैंक, तो जो कि ठंडा वहाँ पर आ चुका था, ठीक है, ब्रह्मपुत्र एकदम क्या हो चुका था, सिकुड़ गया था, उसका पानी वानी एकदम कम हो चुका था, ब्रह्मपुत्र का पानी। एंड द
वन सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन पीकॉक आइलैंड एंड द मेन लैंड ग्रीव लेस अंटिल, जो कि पीकॉक आइलैंड और जो मेन लैंड है गुवाहाटी का उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, बीच में पानी है, आइलैंड होगा तो पानी तो होगा ही, तो वहाँ पर जो जाने का जो जगह था बहुत दूर था, ठीक है, बीच में पानी था, थोड़ा सा चैनल हुआ करता था। लेकिन क्या होता है, जो ठंडे के मौसम में ऐसा होता था कि जो उसके अंदर का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वो कम हो जाता है, ग्रीव लेस, पानी सूख जाता है, तो ऐसा दिखाई देता था कि पीकॉक आइलैंड से और मेन लैंड से जो रास्ते से वो डिस्टेंस कम हो रहा था, पैदल जा सकते थे लोग, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द हॉट वेदर ओनली नैरो डाइविंग डिवाइडिंग चैनल रिमेन, लेकिन जब गर्मी का मौसम आ जाता था, पानी वानी से वो जो रिबारे भर जाता था, तब ऐसा लग रहा था कि मेन लैंड से और आइलैंड से बहुत दूर डिस्टेंस बढ़ चुका है, ऐसा होता था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देयर वॉज ए बिलीव दैट इफ दिस चैनल वॉज एवर ड्राइड अप कम्प्लीटली इट वुड मीन द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज, ऐसा बोला जाता है कि कभी भी अगर ये जो रिबार है, ये जो चैनल है, अगर पूरा का पूरा सूख अगर जाता है तो ब्रिटिश राज का समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ब्रिटिश राज, ऐसा बोला जाता है। अगर ये मेन लैंड से वो जो पीकॉक आइलैंड है इनमें से जो गैप है ये अगर पूरा का पूरा सूख जाएगा, एक दिन पानी वहाँ से सूख जाएगा तो ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। इन सम ईयर्स इट वेरी नियरली डिड, और कभी कुछ साल बाद तो ऐसा हो ही गया था, पूरा का पूरा जो रिवर था वो सूख चुका था। बट वेदर वन कुड वॉक ड्राई शूड टू द आइलैंड इन 1947 इंडिपेंडेंस ईयर्स, और ऐसा बोला गया कभी शायद कोई तो वहाँ पर 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद शायद उस रास्ते से कोई पैदल गया होगा जब सूख गया होगा। आई डोंट नो बिकॉज आई नो लॉन्गर लिव्ड इन गुवाहाटी एट द टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता कोई गया होगा, शायद सूख चुका होगा वो एरिया रिवर, कोई पैदल उधर से मंदिर तक चल चुका होगा, जा चुका होगा, लेकिन मुझे सब कुछ भी नहीं पता क्योंकि तब तक मैं गुवाहाटी छोड़ चुका था, ठीक है। ऑल द गुवाहाटी वॉज द पोर्ट ऑफ एंट्री सो टू स्पीक इन आसाम, तो ऐसा बोल रहा है कि अगर बोला जाता है कि जो आसाम को, आसाम के अंदर आने के लिए गुवाहाटी एक ही जगह है जहाँ पर सबसे पहले एंट्री किया जाता है, आसाम को एंट्री करते ही सबसे पहले लोग कहाँ पर आता है, गुवाहाटी में आता है, गुवाहाटी एज ए पोर्ट हिसाब से माना जाता है। मोस्ट ट्रेवलर्स पास्ट थ्रो ऑन देयर वे बिटवीन कलकत्ता एंड शिलोंग, पहले तो कलकत्ता बोला जाता था, क्या बोलते हैं कि लोग जब कलकत्ता से शिलोंग, शिलोंग टू कलकत्ता ऐसे अगर आता जाता रहता था तो गुवाहाटी होकर ही जाना पड़ता था उनको, ठीक है। हर टू डिस्ट्रिक्ट फार्दर ऑफ द वैलीज, कई कई वैलीज वगैरह में अगर जाना पड़ता था तो भी गुवाहाटी से होकर ही जाना था। ओकेजनली हाउएवर दे स्टेड ओवरनाइट, अगर कोई कोई ऐसा था जो लोग अप डाउन करते थे कलकत्ता से शिलोंग, शिलोंग टू कलकत्ता, तो क्या करते थे, अगर ज़्यादा देर हो जाता था तो गुवाहाटी में वो लोग रात गुजार लेते थे। एंड समटाइम्स वी हैड अनयूजुअल विजिटर्स, और कभी कभी तो ऐसे ऐसे अनयूजुअल विजिटर्स आ जाते थे, मतलब जो क्या हो जाता है, वन ऑफ हुइच वाज टाइगर दैट हैड प्रिजर्वली बीन वॉश्ड अप बाय द फ्लड, बाय फ्लड, तो कभी कभी अनयूजुअल विजिटर्स आ जाते थे, और अनयूजुअल विजिटर्स यहाँ पर टाइगर को बोला जाता है कि टाइगर ऐसे करके आ गया था, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर जो फ्लड हो गया था तो फ्लड में वो बहकर चला गया था टाइगर, बाद में उनको दिखा नहीं टाइगर। द पग मार्क्स ऑफ द लार्ज कैट वेयर क्लियरली ट्रेचेबल थ्रू आवर कंपाउंड, और वो ये करके कह सकता है क्योंकि उनको जो पैर का जो पंजा का जो प्रिंट है वो प्रिंट उनको उनका ट्रेस मिला था वहाँ पर उनके कंपाउंड में, इसलिए कह रहा था कि वहाँ पर टाइगर भी आया था। उसके बाद द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुइज गुवाहाटी वॉज द हेडक्वार्टर, देखिए कामरूप के जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कब था, कहाँ पर था, गुवाहाटी में थे। एक्सटेंडेड टू बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर, और यहाँ पर कामरूप जो डिस्ट्रिक्ट थे एक से दो इस पार से उस पार तक जो जो बैंक ऑफ द रिवर थे, नॉर्थ साइड नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ये दोनों से जुड़े हुए थे पूरा का पूरा डिस्टेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि द नॉर्थ बैंक हैड ए कैरेक्टर ऑल इट्स ओन, और नॉर्थ बैंक के बारे में यहाँ पर बोलेगा कि जो नॉर्थ साइड जो थे कामरूप के, जो नॉर्थ साइड थे गुवाहाटी के, जो नॉर्थ साइड थे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। देखिए ये वास्ट रिमोट स्ट्रेस ऑफ फ्लैट, वहाँ पर क्या था, नॉर्थ बैंक क्या था, बहुत ही बड़ा एरिया था, एकदम फ्लैट थे, ठीक है, एजलेस ऐसा लग रहा था, जगह पूरा यंग जगह है, ठीक, लैंड बिटवीन द सैंड बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का किनारा जो बाली से भरपूर है, रेत से भरपूर है, द हिमालयन फुटहिल्स, वहाँ पर हिमालयन फुटहिल्स है, ठीक। तो इस नॉर्थ बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि नॉर्थ बैंक कैसा था। यहाँ पर बैंक मतलब हमारा इंस्टीट्यूट बैंक नहीं, जैसे पैसा लेन देन करने के बारे में बोल रहा है ऐसा नहीं, नॉर्थ बैंक का मतलब होता है कि जो गुवाहाटी के नॉर्थ साइड और साउथ साइड, ये नॉर्थ साइड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इट वाज ए स्ट्रेंज प्लेस, वो जगह जो था नॉर्थ बैंक जो था ये एकदम स्ट्रेंज प्लेस था, क्या हुआ था, वेयर द रिवर ड्राइड अप इन हॉट वेदर एंड सडनली डिसअपीयर अंडरग्राउंड। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिवर है ना, जब गर्मी के मौसम होता है, बहुत ही गर्मी देता है, तो रिवर पूरा का पूरा सूख जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था, एक भी पानी नहीं मिलता था वहाँ पर, थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलता था गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है तो सूख जाता है। समटाइम्स इन कैंप वी हैड टू डिग फॉर वाटर, कभी कभी अगर हम पिकनिक के लिए
कैंप करते थे वहाँ पर, पिकनिक मनाते थे, तो पानी के लिए हम वहाँ पर खोदना पड़ता था। व्हिच वॉज सो डर्टी दैट इट हैड टू बी क्लीन बाई ड्रॉपिंग एल्यूम। एल्यूम का मतलब होता है थोड़ा सा, ये वहाँ पर एक केमिकल है पानी को सफा करने के लिए, ठीक है, फिटकारी बोलते हैं जिसको, एल्यूम इन द बकेट टू प्रेसिपिट द मड। मड मतलब कीचड़, कि जब हम बकेट में वो पानी उतार लेते थे, निकाल लेते थे, तो बहुत ही कीचड़ रहता था, तो कभी कभी हम वहाँ पर केमिकल मिला देते थे ताकि पानी थोड़ा सा साफ हो, उसके बाद पीने लायक हो। देयर वेर न्यूमेरस बिल्स। देखिए यहाँ पर बिल्स मतलब हम जो बिल बोलते हैं ना, बिल, नदी को बिल बोलते हैं कभी कभी आसाम इसमें, तो यहाँ पर वही बिल के बारे में बोला जा रहा है, जो कि ब्रिटिश थे लेकिन आसाम का भी थोड़ा सा वर्ड उनको इफेक्ट किया। देयर वेर न्यूमेरस बिल्स रिप्लेट विथ वाइल्ड फॉल्स पी फॉल्स, ये बाढ़ से, कि वहाँ पर जो बिल थे, बिल के जो एरिया थे, वहाँ पर ये सारे बर्ड्स दिखाई देते थे। स्ट्रटर मतलब एटीट्यूड, वो जो बर्ड्स थे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर उड़ते थे थ्रू द ग्रास। एंड इन द मानस सेंचुअरी बॉर्डरिंग द हिमालयन स्टेट ऑफ भूटान, और वहाँ पर क्या थे, मानस सेंचुअरी थे, ठीक है, हिमालयन जो रेंज है भूटान है उसके आसपास, उसके पास ही थे। वेर ए फ्यू राइनो, और वहाँ पर क्या मिलते थे, कुछ राइनो थे। द रिवर्स वेर फुल ऑफ महाशीर, महाशीर ये फिश है, ठीक है, तो जो रिवर थे बिल, वो पूरा का पूरा महाशीर फिश से भरा पड़ा था। एंड देयर बैंक्स ए फेवरेट साइट फॉर द गवर्नर्स क्रिसमस कैंप, और वहाँ पर उसी साइड में नॉर्थ बैंक के बारे में बता रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये नॉर्थ बैंक के बारे में है, नॉर्थ साइड के बारे में है, कि वहाँ पर एक क्रिसमस कैंप भी बनाया गया था। व्हिच इट वॉज माई टास्क टू बिल्ड, और इन्होंने यहाँ पर यह जॉन राउंडट्री ने, छोटा साहिब ने इसको बनवाया था, पूरा बिल्ड किया था गवर्नेंस के बारे, गवर्नर के लिए, ठीक है। एंड फॉर हुईस आई समटाइम्स रिसीव्ड ए पोलाइट लेटर ऑफ थैंक्स फ्रॉम द ग्रेट मैन, और ये गवर्नर ने उनको बहुत सारे लेटर भी भेजा, थैंक यू लेटर भेज दिया, क्योंकि इतना अच्छा काम किया था उन्होंने, क्रिसमस कैंप भी बनाया था वहाँ पर पार्टी वगैरह करने के लिए। दिस वॉज द होम ऑफ आसाम चितल। चितल एक फिश है, आपको पता ही होगा, जो चितल है आसाम उनका होमलैंड है, ठीक है, आसाम में बहुत ही चितल फिश पाए जाते हैं। एंड इट वॉज हेयर दैट आई वॉन्स विटनेस द डिलाइटफुल साइट ऑफ द स्लोट बियर कैरिंग हर कडल सम कप ऑन हर बैक। तो मैंने ये भी देखा, मैंने मतलब जॉन राउंडट्री छोटा साहिब ने ये भी देखा कि जो भालू था अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चे को पीठ पे लेके जा रहा था, ठीक है, राइट इन द मिडल ऑफ द वाइल्ड्स, और वही एक जगह पे जंगल के अंदर क्या हुआ था, जंगल के मिडिल में यूरोपियन एंड हिज वाइफ हैड लेस्ट ए पीस ऑफ लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद ए व्यू ऑफ ग्रोइंग सिमल ट्रीज फॉर दैट नियर बाई मैच फैक्ट्री। और वहाँ पर यूरोपियन और उनके वाइफ क्या कहते हैं, जंगल के अंदर सिमल ट्री उधर ये करेगा, ग्रो करेगा ऐसा बोल के उन्होंने क्या कहता, उधर पूरा का पूरा फेंसिंग कर दिया था, ठीक है, फेंसिंग मतलब दीवार बना दिया था, फेंसिंग, ठीक है, कांटेदार तारों से दीवार जैसा बना दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक मैच फैक्ट्री था, सोचा था कि सिमल ट्री करके मैं वो मैच फैक्ट्री में सेल करूँगा, थोड़ा सा पैसा इनकम हो जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा ऐसा बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ था, देखिए उसके लिए उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दिया था, ताकि वो जो डियर है, दे हैड रिग्ड माइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग इन एन अटेम्प्ट टू कीप आउट द डियर, ताकि डियर अंदर आ ना सके और वो जो पेड़ पौधे हैं उनको खाना जाए। बट विद लिटिल सक्सेस एज फार एज द डियर वेयर कंसर्न, दे जम्प्ट ओवर इट, जो कि डियर को ऐसा लग रहा था कि डियर बहुत ही चतुर था, उनको पता चल चुका था कि ये जो फेंसिंग कर काटेदार तार दे चुका था, इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया हुआ है, उनको पता चल चुका था, तो उन्होंने क्या किया, जंप करके अंदर आ गया, तार को लगा ही नहीं उनको शरीर में। ऑन द अदर हैंड नेवर हैविंग मेट एन इलेक्ट्रिक फेंस बिफोर, तो ये जो है उनको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा ही नहीं, और इसके बारे में छोटा साहिब कभी सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था कि ऐसे करके तारे में, तार पे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए। आई रिसीव द फुल ट्रीटमेंट, और उन्होंने इसके बारे में पूरा देखा कि आई एम अफ्रेड देयर बिजनेस, देयर एंटरप्राइज वॉज इन नो सेंस ए वेरी प्रॉफिटेबल वन, और उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ, ये लगा कि उनका जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, ये बिजनेस थोड़ा सा बकवास हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया, थोड़ा सा भी हेल्प मिला, तो प्लीज़ बीएच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जाए बहुत सारा वीडियो, सबको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।